बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ये जो वीक है पूरा धमाकेदार वीक होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे मैचेस है, बहुत बड़ा मैच होने वाला है। दोनों ही टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टीम को जीतना है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा फॉर्म अप एंड डाउन है, सेम है पाकिस्तान टीम के साथ। पाकिस्तान टीम के साथ बहुत सारी परेशानियां भी हो रही है। उनके बॉलिंग जो है, शादाब खान वो फुल टॉस फेंकते हैं, स्पिन उनका अच्छा चल नहीं रहा है, फास्ट बॉलिंग में रिदम में नहीं दिख रहा है। प्लस अभी तो न्यूज़ भी आ रहा है कि बहुत सारे प्लेयर उनके बीमार हो चुके हैं, कोल्ड हो चुका है साहिन अफरीदी को, और भी बहुत सारे अब्दुल्ला शफीक, तो कुछ प्लेयर हैं कि हो सकता है नहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन क्या प्लेइंग इलेवन होगा, कौन सी टीम जीत सकती है मैच में, कौन से प्लेयर को पिक करना है डिमेलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको हेड टू हेड में कैप्टन बनाना है, ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना है, प्लस सबसे बड़ी बात सेशंस कैसे खेलना है, पिच कैसा होने वाला है, ए टू जेड बात करेंगे मेरे भाई। तो वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करिएगा। सबसे पहले सेव कर लीजिए, मेरा नंबर 7428525767, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर आपको दिखता है सब फेक है, हमारा फोटो लगा के बहुत सारा स्कैम हो रहा मार्केट में, उनसे बचना है आपको। राठौर प्रिडिक्शन 07 हमारा टेलीग्राम चैनल है, सब स्मॉल में है, लिख के सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। आज भी मैंने 2 सेशन दिया, 2/2 सेशन पास कराया, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, और डेली सेशन आते हैं फ्री में, और सारे सेशन पास चल रहे हैं, मैक्सिमम सेशन, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है सेशन का। जाइए एक बार ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा आपको काम देख के। बाकी ये कल खेला जाएगा 2 बजे, वेन्यू है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। सबको लग रहा होगा बहुत छोटा वेन्यू है और यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होगा। बाकी वेदर कैसा क्या रहेगा, 29 डिग्री टेम्परेचर है, निगेटिव है, रेन नहीं होने वाला है, ह्यूमिडिटी क्वाइट लो है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड बैड को एडवांटेज होगा या ड्यू फैक्टर प्रिवेल करने वाला है। हाँ, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही है, छोटा वेन्यू है, छोटा ग्राउंड डायमेंशन है, आईपीएल में बहुत ज़्यादा रन लगते थे और लगेंगे भी। थोड़ा बहुत जो जो मदद मिलेगा मेरे भाई, वो स्पिनर्स को ही मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आगे चल के क्या पिच जो होता है वो स्लो हो जाता है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है, जैसा कंडीशंस ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन चाह रहे थे यहाँ पे वैसा उनको मिलने वाला है। सभी के सभी वहाँ डोमिनेट करते हुए देखने को मिलेंगे, जैसा बहुत दिन से रुक के खेला है, बहुत रन पड़ने वाला है। फर्स्ट बैट ऑस्ट्रेलियन टीम आ गई तो आपके लिए चांदी होने वाला है, सेशन मैक्सिमम यस होंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। टोटल अगर बात कर लेते हैं तो 23 मैच हुआ है, 10 बार फर्स्ट बैट, 12 बार सेकंड बैट, 1 मैच टाई रहा है। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 266 का है, हाईएस्ट देख सकते हैं 383 इंडिया का, लोएस्ट भी इंडिया का ही 166/4। बाकी मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोरिंग पैटर्न, 200 से नीचे 2 बार लगा है, सिर्फ और सिर्फ 200 to 249 9 बार लगा है, 250 to 299 4 बार लगा, और एवव 300 8 टाइम्स लगा है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है हाई स्कोरिंग ये गेम होने वाला है। तो जब इस तरह का आपको आइडिया हो चुका है पिच ऐसा बिहेव करेगा, तो आपको सीधा सीधी सेशन जो है वो ध्यान से खेलना है, मैक्सिमम यस होने के चांस रहेंगे। सेशन नीचे मिलेगा आप यस करके चलिए, नॉट पे जाइएगा बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। कम रन पे नॉट तो करना ही नहीं है, नॉट करना है तो वेट करना है। 60 बॉल से ऊपर मिले, 60 बॉल में 60 रन से ऊपर मिले तभी नॉट करिए। लास्ट 3 मैच का बात कर लेते, जो मैच हुआ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 286 मारी, इंडिया चेज कर गई 289 रन मार के 7 विकेट से मेरे भाई। 5 विकेट पेसर्स को मिला फर्स्ट इनिंग, और स्पिनर्स को 3 विकेट भाई, पेसर्स को फिर 1 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिला। दूसरा मैच को यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया 334 मारी, इंडिया ऑलमोस्ट जीत रही थी लेकिन हार गई 21 रन से, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। 4 विकेट अगेन पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर्स को 1 विकेट, फिर पेसर्स को 6 विकेट, स्पिनर्स को 1 विकेट। तीसरा मैच देख सकते हैं, इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल यहाँ पे अचीव की 383 का, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 326 ही मारी, इंडिया जीत गई 57 रन से, 2 विकेट पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, 2 विकेट स्पिनर्स को, फिर 4 विकेट यहाँ पे पेसर्स को, 5 विकेट स्पिनर्स को। टोटल लास्ट 3 मैच में 22 विकेट पेसर्स को और स्पिनर्स को 14 विकेट मिला, तो पेसर्स यहाँ पे ज्यादा विकेट निकाल रहा है। ज्यादा कुछ है नहीं सरफेस में, बॉल आराम से बैठ पे आएगा, स्पिनर्स यहाँ पे दोनों ही टीम अच्छा खेलेगी, क्योंकि स्पिनर्स को कुछ खास मदद मिलने वाला नहीं, छोटा ग्राउंड है, स्लॉग स्विप मारेंगे सिक्स जाएगा। यहाँ पे क्लियर सियोर शॉट फैंसी ये खेल सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस अगर आपको 10-12 दिख रहा है यस करके चलिए, लगेगा ही लगेगा। अगेन हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, 3 से 4 50 दोनों इनिंग मिला के निकल के आएगा, तो ये भी यस करके चल सकते हो, क्योंकि दोनों अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे वाली टीम है। 4 50 आराम से दोनों इनिंग मिला के यस होगा, तो ये सब सियोर शॉट फैंसी है, ध्यान रखिए। अब देखिए आगे हेड टू हेड में इन दोनों के बीच में तो 107 मैच हुआ है, जिसमें 34 पाकिस्तान जीती है, 69 ऑस्ट्रेलिया जीती है, काफी डोमिनेट कर रही है। न्यूट्रल वेन्यू है, नो रिजल्ट 13 रहा है, न्यूट्रल वेन्यू पे जो मैच हुआ है दोनों के लिए न्यूट्रल वेन्यू, इंडिया का वेन्यू, यहाँ पे 11 बार सिर्फ पाकिस्तान जीती है और 25 बार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती है। लास्ट 6 ODIs में यहाँ पे पाकिस्तान 2 जीती है और ऑस्ट्रेलिया 4 जीती है, ये रिसेंटली 2 मैच जो हुए वो पाकिस्तान जीती है। वर्ल्ड कप में 10 मैच हुआ जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 6 जीती है, पाकिस्तान 4 जीती है, तो ऑस्ट्रेलिया क्लियरली डोमिनेट कर रही है हर एक एस्पेक्ट में। बेंगलुरु में अगर परफॉर्मेंस का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मैच खेली एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, 10 मैच खेली है जिसमें से 4 जीती 5 हारी 1 नो रिजल्ट से 40% का ही विनिंग परसेंटेज है। तो ऐसा नहीं आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है, अभी वैसे भी मोमेंटम लूज की हुई है, एक आधा मैच जीतने से कुछ नहीं होता है,
छोटी टीम के विरुद्ध जीती है, बड़ा टीम उनको फिर से यहाँ पे मार के रख सकते हैं। बाकी पाकिस्तान यहाँ पे ज्यादा मैच खेली नहीं है, दो ही मैच खेली जिसमें एक जीती एक हारी है। रिसेंट फॉर्म का बात कर ले दोनों टीम का, तो पाकिस्तान का लास्ट मैच लॉस है, विन है, विन है, लॉस है, लॉस है, तो दो मैच जीत के आ रही लास्ट पांच में से। वही ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीती है, फिर लॉस है, लॉस है, फिर विन है, फिर लॉस है, तो ये भी दो मैच जीत के आ रही है। तो दोनों का परफॉर्मेंस रिसेंट ईयर में, रिसेंट फाइव मैचेस में इक्वल्स है, दोनों दो दो मैच जीत के आ रही है। प्लेइंग 11 का बात कर ले दोनों टीम की तरफ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेविड वार्नर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मिचेल मार्क्स, स्टीवन स्मिथ, मार्टिन लेबुशेन, जॉस इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जैम्प और जॉस हेजलवुड। तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम का। पाकिस्तान टीम की तरफ से बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर अजम, मोहम्मद रिजवान, सौस शकील, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन साफरीदी और हारिस रॉफ। बोला जा रहा है कि ये फिट नहीं है, फिट क्या मतलब बीमार हो चुके हैं, लेकिन बड़ा मैच है, ड्रॉप नहीं कर सकते, कोल्ड वोल्ड यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, टीम अपने कंट्री के लिए कोई भी खेल रहा है, छोटा मोटा ये सब अफवाह पे मत जाइए। बाकी चलते हैं दोनों ही टीम के प्लेयर्स का बैटल, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर सकता है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना है, किसको हेड टू हेड में कैप्टन बनाना है, कौन यहाँ पे 100 मार सकता है प्लेयर, किसका फॉर्म कैसा चल रहा है, ए टू जेड बात करेंगे। फैंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला, तो ध्यान से सुनिएगा। लास्ट मैच में 11 रन पे आउट हो गया वार्नर, उससे पहले 13, 41, 56, 53, तो ये तीन मैच, पांच में से तीन मैच परफॉर्मिंग था और ये लग रहा था अच्छा खेलेगा, लेकिन सरफेस वैसा नहीं मिला। इस सरफेस से एकदम गारंटी इनको कैप्टन बना लो, ग्रैंड लीग में 100 भी मार सकता है डेविड वार्नर यहाँ पे, ठीक है, नो डाउट। 13 मैच में 676 रन है, 179 हाईएस्ट है, 52 का एवरेज है, 300 है पाकिस्तान के खिलाफ। हेड टू हेड इस वेन्यू पे भी दो मैच खेला है, 127 रन है, 124 हाईएस्ट है मेरे भाई, और 64 का एवरेज है, 100 है, तो मच पिक प्लेयर होने वाला, नो डाउट है। स्टीवन स्मिथ यहाँ पे लास्ट मैच 0 पे 19, 46, 74, 0, इस मैच में सब फॉर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, इनको कैप्टन बना सकते हो। हेड टू हेड में 11 मैच खेला है पाकिस्तान का, 511 रन, 108 का हाईएस्ट है, 51 का एवरेज है, 200, इनसे बेटर एवरेज तो यहाँ वार्नर का है। 4 मैच इस वेन्यू पे भी है, 151 रन है, 131 ही हाईएस्ट है, 75 का एवरेज है और 100 भी है। मिचेल मार्क्स का बात कर लेते हैं, 52, 70, 96, 0, अप एंड डाउन लगा हुआ है, लेकिन इनका इस वेन्यू पे खेलना बहुत अच्छा बन सकता है, कि जिस टाइप का प्लेयर तेज खेलता है इस वेन्यू पे इनको बहुत पसंद करेंगे ये खेलना। दो मैच में सिर्फ 4 ही रन है, 2 का एवरेज है और 1 विकेट है, पाकिस्तान के लिए कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। लेबुशेन 40, 46, 27, 72, 27, विकेट जाता है तो ये भी अनदर वेरी गुड ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग में, क्योंकि लग रहा है देखिए बड़ा खेल सकते हैं लेकिन आउट हो जा रहे हैं, ये खेलना चाहेंगे, अपना जगह फिक्स करना चाहेंगे। ट्रेविस हेड आएंगे तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। 3 मैच खेला, 88 रन है, 59 हाईएस्ट है, एवरेज कुछ खास नहीं, 29 का। 1 मैच खेला इस वेन्यू पे, 54 रन है। जॉस इंग्लिस लास्ट मैच में काफी तेज खेला, इन्होंने 58 रन मारा, उससे पहले उनका परफॉर्मेंस 5, 6, 45, 0, तो ठीक ठीक है, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि लोअर डाउन द ऑर्डर आएंगे, इनको फिनिशिंग रोल दिया गया। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे नहीं खेला। स्टोइनिस का अगर बात करें तो अच्छा टच दिख रहा था लास्ट मैच में, 20 रन, 5, 29, 18, 0, लास्ट 3 मैच में विकेटलेस रहेगा, उतना बॉलिंग भी नहीं कराया जा रहा, पहले इनसे ओपन कराया जा रहा था बॉलिंग, फर्स्ट 10 ओवर में दिख रहे थे, अब यहाँ पे 1-2 पार्ट टाइम ओवर निकाल के दे रहा है, 1 विकेट 1 विकेट, इनको हटा के भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मैच में 110 रन है, 49 हाईएस्ट है, 18 का एवरेज है, 3 विकेट है, इस वेन्यू पे 1 मैच में 15 ही रन है। ग्लेन मैक्सवेल 31, 3, 15, 5, 8, कैप्टन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है हेड टू हेड में, इस वेन्यू को भली बात ही जाते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, काफी एक्सपीरियंस है, पता है कैसा वेन्यू होने वाला उनके लिए। 1 विकेट भी है, 2 विकेट 0, 4, 0, बॉलिंग करेंगे पूरा 8-10 ओवर ये निकालेंगे। 18 मैच में 735 रन है, 98 इनका हाईएस्ट है, एवरेज काफी जबरदस्त है पाकिस्तान के खिलाफ इन बैटिंग, प्लस 9 विकेट भी है, इस वेन्यू पे भी 1 मैच खेला और 60 रन का कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट इनको जरूर पिक करके चलिए हेड टू हेड में कैप्टन के लिए। मिचेल स्टार्क का बॉलिंग का बात है, 2-2, 1-1, 0, रिदम फाइंड कर दिया इन्होंने, इनको फास्ट बॉलिंग में पिक करके चल सकते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। 10 मैच में 23 विकेट भी है पाकिस्तान के खिलाफ, इस वेन्यू पे 1 विकेट नहीं मिला है। बाकी हेजलवुड इस वेन्यू को अच्छे से जानते हैं, खेले हैं आरसीबी की तरफ से। पैट कमिंस का बात कर लेते हैं, तो 2-1, 0-1-1, अच्छा बॉलिंग कर रहे थे लास्ट मैच में, बहुत इन्होंने ही वापसी कराया ऑस्ट्रेलिया को। बाकी 7 मैच में 13 विकेट है, 2 मैच इस वेन्यू पे 1 विकेट है। एडम जैम्पा यहाँ पे 4 विकेट 1 विकेट 0-1-2, तो इस वेन्यू पे उतना मदद नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पिक कर सकते हो अगर चाहो तो। 10 मैच में 17 विकेट है, 2 मैच में 2 विकेट है इस वेन्यू पे। यहाँ पे हेजलवुड विकेटलेस थे, 0-1-3-2-1, इनको पिक करके चलो, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है इनको यहाँ पे खेलने का, स्टार्क से बेटर ऑप्शन मैं बोलूंगा फास्ट बॉलिंग में ये रहेंगे। 5 मैच में 11 विकेट भी, हर मैच में यानी 2 विकेट निकाला है पाकिस्तान के खिलाफ, इस वेन्यू पे भी 1 विकेट है इनका। अब चलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स का देख लेते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है। अब्दुल्ला शफीक लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए, 20 रन, लेकिन अच्छे दिख रहे थे, उससे पहले 113, 52, 19, 7, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इनको पिक कर लेना, बैटिंग डिवाइड में खेल सकता है, पिच अच्छा रहने वाला है। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे नहीं खेला। बाबर आजम 50, 10, 5, 29,
10, तो लास्ट पांच में एक ही मैच में परफॉर्म किया, वो भी स्ट्रगलिंग पारी थी। लेकिन ये अच्छा प्लेयर है, इनको कैप्टन तो चूज कर सकते हो या फिर वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो हेड टू हेड में। 9 मैच में 588 रन, 114 का हाईएस्ट है एवरेज, देख सकते हो इतनी बड़ी टीम के खिलाफ। 74 का 300 भी है, नो डाउट इनको जरूर पिक करना ही करना है। इमामुल हक 36-12-15-9-78, इनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो या फिर वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में। ये फॉर्म में दिख रहे थे आने से पहले वर्ल्ड कप, लेकिन अभी थोड़ा सा रिदम लूज किया है, खेल सकते हैं ये बड़ा। 7 मैच में 414 रन है, तो 6 हाईएस्ट है एवरेज, देख लीजिए ऑलमोस्ट 70 का है, 200 भी है 7 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मोहम्मद रिजवान 49, 131, 68-86-2, तो आप देख सकते हैं लास्ट 4 मैच इनका कितना जबरदस्त है। इनको तो वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन चूज कर लो, हेड टू हेड में बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। दो तीन टीम बना रहे हो तो इनमें एक ये सूट करते हैं। 13 मैच में 315 रन, 115 हाईएस्ट है, 35 का एवरेज है, 200 है, तो एवरेज उतना खास नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। शॉ शकील का बात कर लेते हैं, तो लास्ट 5 मैच में नीचे आते हैं, 6 रन है, 31-68-9 DNB, बॉलिंग नहीं किया, बॉलिंग भी कर लेते हैं। 2 मैच खेला है हेड टू हेड में, 3 ही रन है, 3 हाईएस्ट 3 एवरेज। सदाब खान 2 DNB, 32-3-6, बैट से इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते, एकदम लोअर डाउन द ऑर्डर आ रहे हैं। और एक आध मैच में चले उसके बाद सारा मैच वैसे ही रहा है, विकेट लेस भी है, 1-1-1-1, ये तो गलती से ही विकेट मिल गया जैसा बॉलिंग ये कर रहे हैं। हटा के चलिए बेस्टर रहेंगे। इफ्तिकार 4-22-9-47-23, बैट से ये बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है विकेट गिरने पे, बॉलिंग भी कर रहा है। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, लेकिन उससे पहले 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। 3 मैच में 10 रन है, 8 हाईएस्ट है, 2 विकेट है और 10 का ही एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास परफॉर्मेंस इनका है नहीं। अब चलिए मोहम्मद नवाज का देख लेते हैं, तो लास्ट मैच में 4 विकेट था, सॉरी 4 रन पे आउट हुए, फिर DNB 39-12, फिर DNB, बैट से इनका भी कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है, बॉलिंग इनका भी उतना अच्छा होने रहा है, 0-1-1-0-0, यही दोनों ऑप्शन जो है ये कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए। अच्छा बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम हो जाएगी। 1 मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1 विकेट है, 1 रन भी है। साइंस अफरीदी 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हर मैच में विकेट तो ये निकाल ही रहे हैं, चाहे कितना भी खराब बॉलिंग क्यों ना कर रहे हो। 3 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट है, मस्ट पिक प्लेयर होने वाला फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। हसन अली 1-4-2-2-0, 7 मैच में 13 विकेट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आगे चलते हैं, अब हारी श्रॉफ का बात कर लेते हैं, तो लास्ट मैच विकेट लेस रह गए, 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, ये इनको पिक कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में भी खेले, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी जानते हैं बेटर, क्योंकि बिग बैश में खेलते हैं ये। 3 मैच है, 5 विकेट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। अब चलिए जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने बनाई है, इन्हीं प्लेयर्स को लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्लेयर को पिक कर रहा हूँ हेड टू हेड में, किस प्लेयर को ड्रॉप कर रहा हूँ ग्रैंड लीग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर ऑप्शन में मोहम्मद रिजवान को पिक किया है, बैटिंग में मैंने वार्नर, स्मिथ, मार्स, बाबर आजम, इमामुल हक और अब्दुल्ला सफीक, ऑलराउंड डिपार्टमेंट में ग्लेन मैक्सवेल, इफ्तिकार अहमद, बोलिंग में मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी। कैप्टन के लिए बात कर लेते हैं, तो कैप्टन मैंने हेड टू हेड में वार्नर को बनाया है, मुझे लग रहा है ये बड़ा खेल सकते हैं। वाइस कैप्टन नो डाउट मोहम्मद रिजवान, कंसिस्टेंट है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्टीव स्मिथ कैप्टन के लिए, और वाइस कैप्टन के लिए आप यहाँ पे बाबर आजम के साथ जा सकते हो हेड टू हेड में। मैंने बोला यहाँ पे कैप्टन ट्राई कर लो, ग्रैंड लीग में एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और वाइस कैप्टन यहाँ पे मैक्सवेल हो सकते हैं, बोथ बैट एंड बॉल से कंट्रीब्यूट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ना मत जाइएगा। और कुछ भी रिपोर्ट चाहिए 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7, जानना है सेशंस कैसे खेलना है, मैच प्रिडिक्शन कौन होगा, कौन जीतेगा हारेगा, सब बताया जाएगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर डेमो आता है, हर दिन 2 से 3 सेशन दिया जाता है और मैच विनर भी दिया जाता है, तो जाइए ज्वाइन करिए। और कीप लविंग, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।